for example the first line that is written here is that generative artificial intelligence jisko hum baat karte hain ki automatically ai ki help se hum videos images ye sab create kar sakte hain jo ki fake hote hain aur wo itne matlab real lagte hain ki unko hum deep fakes bol rahe the to ye transform कर lega into artificial general intelligence यानी कि it will be so common and जो neurons ka pathway human beings के अंदर वो उसको mimic करेगा। तो इसी वजह से इट पोजेज अ ग्रेट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन फिर अंडरमाइनिंग ह्यूमन वैल्यूज एंड दैट एडवांस ए आई कूपोज एक्सिस्टेंशियल रिस्क यानी कि इट कैन चैनलाइज एंड डिरेक्ट मेन यहाँ पे बात हो रही है ए आई डिटर्मिनिज्म की फॉर एग्जाम्पल अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो जो ए आई जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा uh, कर सकती है लोगों के जो इलेक्टोरेट है उनके आइडियाज को कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है फॉर एग्जाम्पल इवन द पोलिटिकल पार्टी कैन क्रिएट सच फेक कॉन्टेंट दूसरी पोलिटिकल पार्टीज के लिए एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैन बी जनरेटेड फिल्म कैन बी जनरेटेड रिगार्डिंग द कॉम्यूनल वायलेंस या फिर जो पॉलिटिकल प्रॉपरगेंडा की जैसे हम बात कर सकते हैं आर ऑल केसेस फिर कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है कहाँ वोट देकर क्या आना तो ये एक अलग डिमेंशन है ए की विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन बेटर वे फिर दीज हाइपर रियलिस्टिक डीप फेक्स विल स्वे वोटर्स एंड इन दिल डिस्टर्ब डेमोक्रेसीवियर को चेंज करना है फिर इनकिस और अनडिपेंडेबिलिटी की बात करते हैं दिल टॉक अबाउट ए आई मॉडल जो थ्रेड पोस्ट खटे थ्रो दोसाइटी बाकी जो वर्ड लिखे हैं मिस्टेफ पोटेंशियल ए आई हेलिसनेशन

सो so, एक वो कंसर्न है जनरेटिव एआई को लेके दूसरा इवेजन ये बोल रहा है कि कोई ऐसी हार्मफुल इन्फॉर्मेशन या ऐसा हार्मफुल इनपुट हो सकता है जो एक्चुअली जनरेटिव एआई उसको हार्मफुल ना करे तो वो इवेजन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जनरेटिव ए तो कैसे वो फिल्टर आउट कर रहा है इंफॉर्मेशन को तो वो सब उसके कोडिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है बाकी अगर हम की वर्ड की बात करते ओवरऑल इस आर्टिकल में तो मतलब जस्ट अगर मैं बोलूं तो यही बोल रहा है कि जनरेटिव एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड उसके पॉजिटिव इम्पेक्ट भी बहुत सारे हैं बट जब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था कि एक ऐसा मॉडल की बात कर रहे थे कि वो ह्यूमन फीलिंग्स को क्या समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा तो जेमिनी से हमने उसको कंपेयर किया था कि उसमें एक ही एडिशनल एस्पेक्ट के काम पे काम करे किया जा रहा है तो यहाँ पे ये यह बात आती है कि जनरेटिव ए को कितना फेयरली और ट्रांसपेरेंटली यूज किया जाएगा जहां तक कि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि जो कंज्यूमर जो इलेक्टर्स का बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस बहुत इजीली किया जा सकता है जैसे कि हमने देखा तो हाइपर रियलिस्टिक डीप फेक्स ए का डिटर्मिज्म मतलब कि कैसे डिसाइड कर रहा है कैसे वो डीप फेक्स बना रहा है कि वो वी कांट लाइक नेचुरली अगर हम कोई चीज देखते हैं तो वी कांट ऐसे आइडेंटिफाई की फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है तो डिसरप्टिव पोटेंशियल के बारे में हमने क्या सोचा है एआई के रिगार्डिंग कैसे उसको हम रेगुलेट करने वाले हैंडिंग दिस को बिगेस्ट इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली इट माइट ऑल्सो बी द लास्ट वॉज गिवेट माइ मिस्टर तो, Denial, तो हाँ, सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस भी है आई को क्रिएट करना एक पे, again, ये था कि क्या ऐसा कोई यू नो मशीन ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है आने वाले टाइम में तो नाउ दिस इज अ रियलिटी तो ये फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया तो इसलिए इसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली इट माइट ऑल्सो बी दी लास्ट तो जो इसका डिसरप्टिव पोटेंशियल हो सकता है जो ये और चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को और क्रिएट करेगा उसकी वजह से इट माइट आल्सो बी द लास्ट नेक्स्ट इज रिगार कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम तो कंप्यूटर भी कर सकता है लेकिन एआई से रिलेटेड एक और हो सकते है कि वो खुद अगर अवेयर हो जाएंगे और और हो जाएगा long term में में तो वो वो भी कर सकते हैं इसलिए इसलिए लिखा है, last. हाँ, वो और साथ के साथ हम ये बोलते हैं भी कि वो awareness जनरेट करना भी एक एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर सिर्फ वो कोडिंग के ऊपर वर्क करेगा तो जो हमने अभी चैलेंजेस की बात करी वो मतलब इनको हम नहीं कर पाएंगे फिर तो अवेयरनेस जनरेट करना इम्पोर्टेंट भी है और जो बोल रहे हो वो चैलेंज भी है साथ में नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन तो ये एक न्यू इंट्रोड्यूस uh, करा गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म पॉलिसी में 2018 में कि हम ओपन बुक एग्जामिनेशन को अडोप्ट कर लें इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ताकि कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं जैसे एप्लीकेशन एनालिसिस एवेल्यूएशन ये सब ब्लूम्स तक सोनोमी के अंडर में आती हैं कि क्रिएट करना जिसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इंस्टेड ऑफ लाइक रिमेम्बर इन दिस रोड लर्निंग तो इसी को इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात हो रही है ताकि जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो और जो क्राइमिंग की आदत है रोड लर्निंग की हैबिट है उसको फिर सब्सिट्यूट करा जाए बाय मोर ऑफ क्रिएशन जिसमें सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ एवेल्यूएसन और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो सब इन्वॉल्व हो फिर इसमें कई सारे चैलेंजेस की बात हो रही है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होना चाहिए जैसे कि अगर हम देखते हैं स्कूल वगैरह में अगर प्रॉपर अगर प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है तो रिगार्डिंग दिस बिकॉज सिर्फ रिटर्न नहीं है ये इसी वजह से बड़े हॉल्स होने चाहिए सेकेंड आ जाता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग का टीचर्स को भी पहले से ही जो उनकी पेटोगोलॉजी है उसको इस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए सो दैट दे कैन बेटर आइडेंटिफाई इंडिविजुअली के किस तरीके के आंसर्स हैं प्लस करिकुलम में चेंजेस जैसे कि केस बेस्ड आंसर्स होने चाहिए क्वेश्चन uh, होने चाहिए एक्सेप्ट फॉर जस्ट सेंटेंस वाइज सो दैट की टीचर्स uh, की, and... पे yeah. पे की, की, की बात की जा रही है तभी जो एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रैक्टिकल लर्निंग क्रिटिकल एनालिसिस को प्रमोट करें नॉलेज को प्रमोट करें अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें राधेन जस्ट मेमोराइजिंग तो वो हम तभी रियलाइज कर सकते हैं जब टीचर्स समझे टीचर्स में बायस नहीं होना चाहिए अगेंस्ट दिस ओपन बुक एग्जामिनेशन तो जब क्वेश्चन बनाने की बात आती है क्वेश्चन पेपर्स बनाने की बात आती है तो क्वेश्चन भी हायर लेवल के होने चाहिए तो स्किल्स ऑफ टीचर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेकेंड चैलेंज मैक्रो लेवल की बात हो रही है तो यहाँ डेमोग्राफी की बात की जा रही है कि रूरल और अर्बन एरियाज में जब हम देखते हैं तो इनकी क्वालिटी एग्जिस्ट करती है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अगर आप ओपन बुक एग्जामिनेशन पे शिफ्ट करने की बात कर रहे हो तो सारी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए क्योंकि बुक्स भी एक्सपेंसिव है तो रूरल एरियाज में सभी बच्चे सभी सबके पास वो बुक्स की एक्सेस हो ये पॉसिबल नहीं है और कितना एक्सेस है अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट है वो एक अलग एस्पेक्ट है वो भी चैलेंज है तो इसकी वजह से एक इनइक्विटेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो यहाँ पे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि साथ ही साथ ऐसी लाइब्रेरीज या ओपन हॉल्स होने चाहिए जहाँ पे ये जो बुक्स हैं इंटरनेट अच्छे से रन होना चाहिए वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है सेकेंड चैलेंज की जब हम बात करते हैं थर्ड जैसे कि बोला ट्रेनर ने करिकुलम डिजाइन वो इम्पॉर्टेंट है एंड अगेन जो करिकुलम डिजाइन हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स को हम ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को टेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो वो कितना बेटर कनेक्टेड है जो टाइप्स ऑफ कोर्सेज हम रन करेंगे विद दी स्किल्स वो जो एक्चुअली मार्केट में विचार इन डिमांड तो वो सिंक होना और वो सिनर्जी होना भी इम्पोर्टेंट है और अगर हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि स्ट्रेस फ्री लर्निंग प्रमोट होगी एक सर्टन लेवल तक कि आपको चीजों को यू नो रेटाफिकेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो नहीं होगा या वो हट जाएगा तो हम बात करेंगे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग uh, की या एप्लीकेशन की और जो हम केसेस ऑफ सुसाइड्स की बात करते हैं वो शायद कम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द दिफ्ट टू वर्ज सिस्टम क्योंकि वहां पे अगेन uh, जो एक अलग स्ट्रेस रहता है कि आपको यू uh, नो you know, मार्क्स स्कोर करने, तो वो जो चीज़ वो से समझा है कि आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो तो सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ इवेल्युएशन और बेटर हो सकता है तो आपको करियर चॉइसेस में भी डिसाइड करने में हेल्प कर पाएगा अगर आप पहले ही इस चीज को जान पाओगे तो और इस वो माइंड सीधी है डी क्वेश्चन कि क्या जो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है ये इंडिया के लिए अप्रोप्रिएट है हाँ जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं प्रमोटिंग क्रिटिकल स्किल्स या स्किल बेस्ड लर्निंग की या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है अगर हमें एक्चुअली डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज करना है स्किल्स के बिना नहीं हो सकते है. तो एक तरीके से ये एक मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोमोटिंग एंड एनहेंसिंग दो स्किल्स कि आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है या आपको नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग तो अल्टीमेटली फिर किसी चीज का फायदा नहीं हुआ जो पूरा बैकग्राउंड में एजुकेशन सिस्टम वर्क कर रहा है उसकी वजह से जैसे आज के टाइम में हम चैलेंजेस भी देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है या फिर आप देखते हो कि जो हाईली स्किल्ड यूथ है एम वो जो लो स्किल जॉब है वो करने के लिए रेडी है तो यहाँ पे भी ये ओवरऑल आर्टिकल भी सेम चीज रिपीट कर रहा है तो जो अभी हमने बात करी बस यहाँ पे ये बहुत बात हो रही है कि सी बी एस इसको पायलट बेसिस पे अः पहले अप्लाई करेगा फॉर क्लास नाइन टू ट्वेल्थ कुछ सीबीएसई में तो बाकी इट इज ऑल द सेम तो यहाँ म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है तो ये बोले जा रहे हैं ये रीजनल प्रॉब्लम है सो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में हमने देखा मिलिट्री को हुआ एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया का स्टैंड यही है कि हम डेमोक्रेसी को कैसे रीस्टोर करें तो मेन फोकस है ये. Should, uh, तो, uh, है पोस्ट जनता डेमोक्रेसी शुड बी री इट शुड अगेन स्टार्ट वर्किंग इन म्यांमार तो तीन चैलेंजेस तीन कंसर्न हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट एरिया जो है तो वन स्ट्रेटेजिक एरिया हो गया दी लोकेशन गिवन वी कैन से ट्रेड सिक्योरिटी ऑल्सो एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर सकते हैं सेकेंडली सिक्योरिटी कंसर्नस जो हैं uh, रिफ्यूजीज के हम बात कर सकते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज में 1.5 मिलियन रिफ्यूजीज स्ट्रेस। सो ह्यूमन राइट्स दे आर नॉट वटेड उनकी जो बेसिक सर्विसेज़ उनको चाहिए फूड एजुकेशन ऑल ऑफ दैट वैट इज बीइंग मेड अवेलेबल और नॉट तो नेबरिंग कंट्रीज के लिए कंसर्न हो गया तो नियरली हाफ ऑफ दॉपुलेशन टी फाइव मिलियन पीपल इट इज लिविंग इन कंडीशन ऑफ पॉवर्टी दैट देर एंड थर्डली इकोनॉमिक yeah. की बात करेंगे तो जब हम बात करते हैं बीबीआईएन की या फिर इवन एज अल्यूशन अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल वर्ल्ड चाहे यूनाइटेड नेशंस की बात करें यूरोपियन यूनियन की बात करें तो दे आर लुकिंग टूवर्ड्स आसियान कि आसियान को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्टोरिंग पीस इन दिस रीजन पीस इन कंट्री लाइक म्यांमार तो यहाँ पे कुछ लिए भी गए जैसे five point consensus हुआ के साथ but again, ground situation में कोई change नहीं देखने को मिला जो five point consensus था उसका क्या हुआ उसको कितने हद तक implement तो, uh, just, like, uh, हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो इट वॉज जस्ट लाइक uh, इट ओनली रिमेन्ड ऑन पेपर्स फिर मैन हम इंडोनेशिया की बात करते कि जब इंडोनेशिया चेयर था आसियान का तो था, उस टाइम पे भी कुछ लिए गए कि क्या है तो जो रूल है, जो है है वो अपने आप को कैसे करता तो they address, uh, themselves as State Administration Council, तो उनका मानना ये है कि आने वाले टाइम में वो और इंटेंसिफाई करेंगे प्रोजिक्यूशन को तो इवन अभी सिचुएशन ये नहीं है कि दे आर रेडी टू You know, elections. Announce भी elections, but again, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा क्या वो कितने फेयर और ट्रांसपेरेंट रहने वाले तो उसपे क्वेश्चन उठता है इंडिपेंडेंट मीडिया तो जो नेबरिंग एरियाज है जर्नलिस्ट है म्यांमार बेस्ड वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो सेफ टेरिटरीज है वहां से ऑपरेट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग वॉट इज एक्चुअली द ग्राउंड सिचुएशन जहां म्यांमार की बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट बिकम्स इम्पोर्टेंट प्रमोटिंग द प्रेस फ्रीडम तो ये एक एस्पेक्ट है तो रीजनल स्टेबिलिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है इसमें अगर एक लाइन में बोलना है तो विदाउट स्टेबिलिटी इन म्यांमार इंडिया पॉलिसी ऑफ द एक्ट ईस्ट कैनोट सक्सीड क्योंकि म्यांमार सिर्फ और सिर्फ कंट्री नहीं है वो बिम्स्टेक में भी है वो गोल्डन ट्राइंगल का पार्ट है तो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वहां से रेफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है हो भी रहे फॉर एग्जाम्पल रखाइन स्टेट से रोहिंग्या से फिर कालाधन प्रोजेक्ट ठप हो सकता है चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ने से पूरा अंडामा निकोबार आइलैंड से लेकर कोकोस आइलैंड से लेकर के वो से पूरे रेडार के अंदर आ सकते हैं उसके बाद फिर जो कनेक्टिविटी है कालाधन प्रोजेक्ट टू पूरे पूरे एशियन कंट्रीज वो नहीं हो सकता विदाउट मैम्बर तो इंडिया का जो पूरा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट है उसका जो लिंच पिन है Myanmar. और हाँ नॉर्थ ईस्ट इनस्टेबिलिटी के पीछे भी हमने देखा कि जैसे बाद में डिसीजन आया कि फ्री मूवमेंट रिजीम को विद्रॉ किया जाएगा बॉर्डर फेंसिंग और ज्यादा की जाएगी अलोंग दी बॉर्डर विद म्यांमार तो ये भी वही जो कंसर्न सिक्योरिटी कंसर्न्स है फिर हम बात करें भागलपुर सिल्क तो बिहार की सिल्क सिटी के नाम से इसको जाना जाता है एंड इट इज आल्सो हैविंग द जीआई टैग बट अभी करंट टाइम में वी आर सीइंग कि जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल जो रॉ सिल्क थ्रेड्स बाई करने की कॉस्ट है मैसिवली इंक्रीज हुई है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि वन के ऑफ सिल्क थ्रेड अगर टस्सर सिल्क का बाय करना था पाँच साल पहले तो इट कॉस्टेड रुपीज थ्री थाउजेंड और आज के टाइम में उसकी कॉस्ट रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड है तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा गैप आ गया है इस चीज में और साथ के साथ डिमांड बहुत कम होती जा रही है तो इसलिए जो आ, हम बोले कि रॉ रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है जो इनकम है हैंडलूम वीवर्स हैं उनके अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इतना एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल खरीद सके और साथ के साथ डिमांड भी नहीं है वो उसको उतना बेच भी नहीं पाते हैं तो यहाँ और जैसे मलबरी सिल्क की बात की गई है तो उसका प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम टेन थाउजेंड टू ट्वेंटी डबल हुआ है मोगा सिल्क जो असम ब्रह्मपुत्रा वैली में मिलता है उसका कॉस्ट इंक्रीज हुआ है तो एक यहाँ पे रीजन ये देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन्स थी जो रॉ मटेरियल सप्लाई होता था पहले झारखंड से छत्तीसगढ़ से वो खत्म हो गया टू स्टेट्स लाइक सूरत अहमदाबाद बेंगलोर तो जो इम्पोर्टेड हो रहा है तो इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो गई है एंड इवन जब हम बात करते हैं कि इसको uh, जैसे हैंडलूम और लूम की हम बात करते हैं तो देर इज मोर शिफ्ट टू पावर लूम

तो पहली बात है कि ये दिखाते हैं कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है कैपिटल स्ट्रक्चर है मार्केट फोर्सेस के कारण इनक्वालिटी राइज करता है तो अगर इनवालिटी राइज हो रहा है तो जो चेन रिएक्शन है विद द विद कंसर्निंग टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द पीपल रॉ इस कॉन्सेप्ट कि आप जो अगर एलीट है उनको सपोर्ट करना चाहिए लेकिन उसकी अगर थ्योरी ऑफ जस्टिस में अगर आप जोड़ते हैं अमर सेन को तो फिर अमर सेन से बोलते हैं कि एपेबिलिटी बढ़ाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी फाइव टू सिक्स एरिया जहां पर वो डिसएडवांटेज है पहला एक्सपेंशन ऑफ मार्केट नहीं है उनके पास दूसरा उनको चैलेंजेस है विद द हेल्प ऑफ द वो हाथ से बनाते हैं मशीन से बनता है वहाँ इशू है कैपेबिलिटी नहीं है तीसरा कंसेंट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल एरिया वो छोटे हैं कंसेंट्रेटेड चौथा कि सिल्क क्लस्टर में उनको सपोर्ट नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से और फिर पांचवा सेविंग रेट उतना हाई नहीं है इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो दे आर नॉट बिग कॉर्पोरेट सेक्टर बट वेरी स्मॉल कोऑपरेटिव एस एस जी ग्रुप एक्सेप्ट तो इसलिए उनका अर्निंग बहुत कम है वेजेस कम है इसमें तो ये फाइव टू सिक्स एरिया अगर बोला जाए तो वहाँ कैसे कैपेबिलिटी बढ़ाया जा सकता है तो इसमें नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें रॉ मटेरियल दिया जाएगा इनपुट करना टेक्नोलॉजी इनपुट दिया जाएगा तो वो एक सपोर्ट सिस्टम है कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए सेकेंड जो मित्रा स्कीम वो सिल्क में भी इसका इस्टेब्लिश किया जाता है नेशनल सिल्क बोर्ड वो हेल्प करेंगे उसके अलावा स्पेसिफिक एरियाज हो गया जैसे सतरंगी चादर योजना इसे बोला जाता है कि आप हैंडलूम बेडशीट बनाई सेवन कलर्स सोर्स फ्रॉम द दीवर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल यूज कॉलेजेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्रोक्योरमेंट होगा उसको आप ऑनलाइन दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल ओ में जाकर दे सकते हो

तो पावर लूम के केस में गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी अपटिल सेवेंटी परसेंट तो जो इवन डेमोग्राफी में शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि वो आगे जो नॉर्मल जो कल्चरल ट्रेडिशन है जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ मैन्यूफेक्चरिंग द फैब्रिक्स ऑफ सिल्क वो उसको उस तरीके से आगे नहीं लेके जाना चाहते जैसे उनके पेरेंट्स कर रहे हैं या तो वो पावर लूम की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर दे माइग्रेटिंग टू अर्बन एरिया जहाँ पे उनको बाकी एरियाज में जॉब मिल रही है इसमें जैसे कैपिटलिस्ट वाले एरिया भी मेंशन करा था तो फिर क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो हाई रेट पर जो प्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्म्स यानी कि लार्ज स्केल पे उसको हम रेगुलेट कर सके लार्ज स्केल पे इतना बड़ा इंडस्ट्री है नहीं प्रेरणा यहां पर मेन प्रॉब्लम यही है कि जो चाइना से कोरिया से सस्ते में सिल्क रॉ सिल्क इम्पोर्ट हो रहा है वो चैलेंज क्रिएट कर रहा है वो रिप्लेस कर रहा रहा है 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 जो जो थी जहां से पहले में मिलता था था मिल जाता वो वो अब नहीं हो पा तो जो metropolitan cities है, वो अब सप्लायर्स बन चुके हैं तो कोई मेजर चेंज नहीं है जब हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात कर रहे हैं या वेजेस की इन लास्ट टेन इयर्स सो

लेकिन जो रॉस का जस्टिस है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस उसमें बात होता है कि जो पुअरेस्ट है उनको कम, कम से कम सपोर्ट मिलना चाहिए टू द एक कॉन्सेप्ट ऑफ द चेन रिएक्शन थ्योरी चेन रिएक्शन थ्योरी कि जो एलिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे कैसे होता है इंडिया में एग्जाम्पल वेल्दीस को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सब्सिडीज हो गया पी एल आई स्कीम पी एल आई सब्सिडीज हो गया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया या फिर बाकी एरिया में बात किया जाए तो स्कीम्स हो गया पीएम जे पी एम आवास योजना केपेबिलिटीज बढ़ाने की बात होता है तो हर एक एस्पेक्ट में भी है तो उसी कारण जो फिफ्टी परसेंट पुअर है वो धीरे धीरे मिडिल में आते हैं उसके बाद फिर मिडिल फिर वेल्दी में आते हैं तो ऐसे डेवलप कंट्रीज राइज हुए वो रही

तो वेज इन इक्वालिटी इज ऑल्सो रिजल्टिंग इन दिस गैप ऑफ इनकम इन इक्वालिटी तो एच बी ए वन सी टेस्ट ये डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए या फिर अर्ली डिटेक्शन की हम बात कर सकते हैं तो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे थर्टी फाइव परसेंट इंडिया में जो पॉपुलेशन है एक हाइपर टेंशन की वजह से रिस्क इंक्रीज हो जाता है कि आप डायबिटिक हो सकते हो एंड सेकेंड इज अब अबडोमिनल ओबिसिटी तो ये दो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर डायबिटीज़ और इंडिया में टोटल अगर हम डायबिटीज़ पेशेंट की बात करते हैं एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल शेयर दैट इज सेवेंटीन परसेंट तो यहाँ हम ओवरऑल फोकस कर रहे हैं कि प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है तो दिस इज वन ऑफ द टेस्ट एच बी ए वन सी टेस्ट जिसके बेसिस पे वी कैन अर्ली डिटेक्ट तो ये दोनों के लिए वर्क करेगा बोथ टाइप वन एंड टाइप टू के लिए डायग्नोस करने की जहाँ तक की बात है एंड वी नो इट बाई अदर नेम्स ऑल्सो लाइक ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट तो ये वर्क कैसे करता है तो जैसे ही लाइक like, uh, हम फूड कंज्यूम करते हैं तो शुगर जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं तो शुगर या उसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं तो जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स इन आर बॉडी तो वो शुगर हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है तो ये जो टेस्ट किया जाता है ये हमारी बॉडी में काउंट करता है या परसेंटेज की फॉर्म में हमें बताता है कि हमारी बॉडी में जो आर हैं कितने परसेंटेज ऐसे हैं जो शुगर कोटेड हीमोग्लोबिन है तो उससे हमें पता लग सकता है कि एक्चुअली आप प्री डायबिटिक हो या कितने चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज uh, हो सकती है तो इन टर्म्स ऑफ ये वाला टेस्ट जो है इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ज्यादा रिलायबल है ज्यादा प्रिसाइज है इसमें एरर मार्जिन कम होते हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इसके अलावा अगर हम परसेंटेज फॉर्म में बात करते हैं तो अगर रिजल्ट में इफ़ इट इज बिलो 5.7 परसेंट मतलब कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इफ़ दैट इज लेस देन लेसेंट तो देन यू आर कंसिडर टू बी नॉर्मल अगर वो 5.7 और 6.4 के बीच में आते हैं प्री डायबिटिक हो और 6.5 से ज्यादा है तो इट इज इंडिकेटिंग की यू आर डायबिटिक इसके अलावा यहाँ पे रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गाइडलाइंस मैनेजमेंट फॉर टाइप डायबिटीज ठीक है एंड यहाँ पे कंसर्न यही है कि और भी बाकी टेस्ट एक्जिस्ट करते हैं जब हम डायबिटीज को डिटेक्ट करने या डायग्नोज करने की बात करते हैं तो चैलेंज यही है कि कितने सारे टेस्ट में सिर्फ ये एच बी ए वन सी टेस्ट यूज किया जा रहा है तो आप उसको कैसे पैटर्न को कैसे चेंज करोगे एक वो चैलेंज है एंड इसके अलावा ओ, तो जो फ्लक्चुएशन होती है कि स्पेसिफिकली अगर हम ओल्डर पॉपुलेशन की बात करते हैं पॉपुलेशन विच इज एट हाई रिस्क ऑफ बींग डायबिटिक उसमें जो फ्लक्चुएशन सडन फ्लक्चुएशन है कि देखने को मिला होगी जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनका ग्लूकोज जो है ब्लड शुगर लेवल सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस भी हो सकती है बहुत ज्यादा रिस्क होता है इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन या वेरिएबिलिटी तो ये टेस्ट उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता तो एक ये लिमिटेशन है एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैसे आप कंट्रोल करोगे तो उसके पीछे जो असेसमेंट है वो हमें इस टेस्ट से नहीं पता लग सकती है तो so, यहाँ पर आई हैव टू क्वेश्चन नंबर वन जो ऑलरेडी हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं और ये जो टेस्ट है इसमें क्या फर्क मेजर फर्क क्या और... मतलब कि हम्म पहले बता देते फिर आप पूछ लेना जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं जो कर, करवाते हैं तो खाने खाली पेट में करवाते हैं तो उसमें जो क्यों करवाते हैं क्योंकि उससे पता चलता है कि फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना बॉडी के अंदर में और बाद में एक और बार होता है कि खाने के बाद ग्लूकोज लेवल कितना है क्योंकि खाने के बाद स्पाइक करता है वन थर्टी वन फोर्टी आ सकता है फास्टिंग में अगर ज्यादा है वन थर्टी से ऊपर तो आप प्री डायबिटिक है वन सेवेंटी है तो आप डायबिटिक करेंगे वन सेवेंटी टू हंड्रेड के आसपास तो ये जो टेस्ट है ना ये ओवरऑल एवरेज बताता है टू टू थ्री मंथ्स का बॉडी के अंदर शुगर लेकिन वो जो टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ उस दिन का बताता है ये वर्क फर्क है जो आ, रोज करवाते हैं वो टेस्ट ये लास्ट टू टू थ्री मंथ्स की आपकी हिस्ट्री बता सकते हैं क्योंकि तो पूरे पूरे ब्लड परसेंटेज का बात हो रहा है पर वहां सिर्फ बात हो रहा है कि कितने आ, इंसुलिन लेवल है या फिर शुगर कितने है उस दिन के लिए उस समय के लिए सिर्फ तो प्रॉब्लम क्या होता है कि पूरे जो महीने का है तो हर एक इंसान का फ्लक्चुएशन डिफरेंट होता है

आप ऐसे क्या पांच स्टेप या पांच रिकमेंडेशन भारत सरकार को देंगे जिससे डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए और वो खाली हेल्थ था सेक्टर से रिलेटेड ना हो रिकमेंडेशन अलग अलग एरिया से होने चाहिए बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटिक्स जो है वो लाइफस्टाइल है टाइप टू में टाइप वन जेनेटिक्स हो गया उसको आप ठीक नहीं कर सकते वो जेनेटिक है आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा टाइप टू कैन बी रिवर्सिबल इंसुलिन यूज होता है कम प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर में तो आपको लेना पड़ता है बाहर से या तो रिवर्स कर लीजिए अपना कंडीशन तो पहला रिकमेंडेशन जो देंगे वो ईट पहला कंडीशन है वो स्क्रीनिंग देंगे प्री डायबिटिक स्क्रीनिंग मैंडेटरी होना चाहिए एक एज के बाद दूसरा वो पीएमजे के अंदर में आ सकता है वो इंश्योरेंस में भी आ सकता है वो हर जगह प्राइवेट सेक्टर में भी आ सकता है दूसरा जो होगा कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड चेंजेस चाहिए एनईपी में योगा मेंटल हेल्थ या फिर आप बात कर रहे हैं बड़े में आपका क्रिएशन ऑफ ट्रैक साइकिलिंग ट्रैक अर्बनाइजेशन का ये प्लान हो था कि ताकि दौड़े सुबह सुबह उठे समय से तो इस पर आ गया तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि अगर डायबिटिक कंडीशन हो चुका है तो इसको रिवर्स कैसे किया जाए तो अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है थ्रू द मीडिया या फिर जो चैनल्स है और फिर अलग ऐसे हम अवेयरनेस की बात कर सकते हैं चौथा हो गया कि इंसुलिन का जो यूजेस है वो बढ़ते जा रहा है तो वो उसको एक तरह से इंडिया को सेल्फ सफ़िशिएंसी बनना चाहिए इंसुलिन में तो उसमें बात कर सकते कैसे बने ताकि अफोर्डेबल रेट में मिल सके पांचवा हो गया कि जो डायबिटीज क्यों होता है हाई सुगर हाई फैट हाई सोल्ट हाई शुगर हाई फैट हाई सोल्ट कंपनी होता है तो मैंडेटरी होना चाहिए हर एक जो इंडस्ट्री है वहां पर स्लिप जो इंग्रेडिएंट के पीछे में लिखा रहना चाहिए और टैक्सेशन बढ़ा सकते हैं नजिंग करने के लिए कि आप कम यूसेज करिए शुगर को हाई शुगर को ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ शुगर यूज कर सकते हैं हो गया या फिर और भी एग्जाम्पल छट्टा हो गया यही पांच है, अगर बोला मेजर और है। एक ये भी होना चाहिए स्कूल लेवल से ही स्कूल में प्रोसेस्ड फूड्स और जो लाइफस्टाइल है वो स्कूल से ही चेंज होना चाहिए ये awesome. जो आप बता रहे हैं ये सब तो बहुत है जब जब गाड़ी छूट चुकी होती है उसके बाद आदमी की कंडीशनिंग भी नहीं हो पाती रूटीन so तो so so प्रवेश जी जैसे आप विद्यालय गए आप कॉलेज गए लेकिन आपके करिकुलम में ऐसा नहीं था तो आप सोच सकते हैं जैसे प्रेरणा सोच सकती है या बाकी लोग सोच सकते हैं so इसी के अलावा जो एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि किस तरीके से जो हमारा इनटेक ऑफ फूड जो हमारा डेली का खाना है उसके hmm. अंदर जब इनटेकेशन होता है खेत के अंदर से जो खाना टेबल तक आपकी आपकी जो प्लेट तक आ रहा है उसकी क्वालिटी को भी आप इंश्योर करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गई सो मेनी थिंग्स एक्चुअली बट द पॉइंट इज यू कैन जस्ट से द रोल रोल ऑफ द एग्रीटेक इंडस्ट्री रोल ऑफ यू कैन से डायबिटीज होता है और अंत में मान लो किसी की कोई बॉय फ्रेंड गर्लफ्रेंड भाग जाए उसको उससे टेंशन हो जाती है उससे भी डायबिटीज बढ़ जाएगा तो कुछ भी हो सकता है

इट इज रिलेटेड टू अल्ट्रावायलेट एक्सरे गामा रे गे सेवन हंड्रेड नैनोमीटर से ऊपर वेवलेट ज्यादा तो इन्फ्रा रेड माइक्रोवेव रेडियो अब आता है कि जो ये स्पेसिफिक टू द ह्यूमन है विजिबल लाइट सबके लिए सेम नहीं होता तो बैट के लिए लग डॉग्स के लिए, लिए लग वो कैसे देख सकते हैं उसके लिए एक कैमरा बनाया गया इट शोज कि हाउस एनिमल सीज मूविंग थिंग्स एग्जैक्टली जो ये ये है। जो यूनिक होते, तो होते हैं तो अगर ये पिक्चर्स हम देखे तो ये जो बी डी एंड एफ है ये ह्यूमन आई को जो दिखता है दैट इज देयर विजिबल स्पेक्ट्रम वाला और ए E जो है ये हनी बी के लिए तो यहाँ पे तीन इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स की बात हो रही है कि ये जो कैमरा है या जो चीज़ें सिर्फ एनिमल्स को दिखती है वो हमें कैसे हेल्प कर सकती है तो जो कैमोफिलिज एनिमल्स हैं या अगर लैंडस्केप uh, में जो अगर हम जाते हैं तो उनको जो डैमेज हो सकता है वो उसको हम कम कर सकते हैं तीसरा जो फार्मर्स farmers... लाइक फ्रूट पेस्ट जो उनको नहीं दिखते हैं ह्यूमन आई को नहीं दिखते हैं फार्मर्स को बट जो एनिमल्स हैं उनको वो क्लियरली दिखते हैं तो कैसे ये इस चीज़ को हम रियल लाइफ में लेके आ सकते हैं कि जो एनिमल्स को दिखता है हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और तीसरा बेनिफिट ये होगा कि जो वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जाती है उसमें भी ये शिफ्ट आ सकता है ये हमें तीन एरियाज में हेल्प कर सकता है तो ये जो कैमरा सिस्टम डेवलप किया गया है ये दोनों विजिबल लाइट नॉन विजिबल लाइट को देखने में हेल्प करता है तो इस तरीके से ये या डिफरेंट है। है hmm. की बात हो रही था। आइस क्या है? कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो साउथ पोल में लोकेटेड है सब ऑटोमिक पार्टिकल न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए तो जैसे हम ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लीगो की बात करते हैं वो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए है। तो जब सुपरनोवा कोलैप्स होता है तो वी सी की उसमें से न्यूट्रिनोस रेडिएट होते हैं बट न्यूट्रिनोस रिएक्ट नहीं करते हैं विद मैटर या ऐसा उनके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होता है प्लस दे आर लाइट वेट और जो तो चार्ज भी है तो उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है तो इसलिए उनको हम घोस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं सो so, uh, यहाँ पे जो ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है इसका मेन फंक्शन यही रहेगा कि सपोज जब वो सराउंडिंग आइस

एक ऐसा जगह पर है जहां पर दे आर वॉइड ऑफ एनी ह्यूमन इंट्रैक्शन वैसे यहां पर भी साउथ पोल में ऐसा क्यों है क्योंकि लाइट पॉल्यूशन कारण